सो बेसिकली ऋषिकेश जाने का प्लान बहुत ही अचानक बना। ये एक ऑल बॉयज ट्रिप होने वाली थी मेरे दोस्तों के साथ। पर्सनली मैं भी कभी ऋषिकेश गया नहीं था, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं। दिल्ली से ऋषिकेश जाने के लिए कश्मीरी गेट से बस मिलती है, इसलिए हमने सबसे पहले कश्मीरी गेट की मेट्रो पकड़ी। अरे ये तो वहीं पर टीचर है। ये हमारे जेपी भाई हैं, बहुत तगड़े एक्टर हैं और बहुत अच्छे गाने बनाते हैं। आपने इनके गाने सुने होंगे। ठीक है, काफी प्रमोशन हो गया। कैसा लग रहा है भाई दीपक, इसका प्लान था सारा? अच्छा लग रहा है, वाओ। और इस बारी हम सच में गरीब की मदद कर रहे हैं, फटीचर जी को हम साथ में ले जा रहे हैं। पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। तो हम कश्मीरी गेट आ चुके हैं, शक्ल दिखा देता हूँ, थोड़ा हैंडसम लग रहा हूँ। दोस्तों इस वक्त हमारे सामने बहुत बड़ी दुविधा आ चुकी है, हमें भूख लग रही है, या तो अब हम मैकडॉनल्ड्स में खा सकते हैं या तो ऋषिकेश खा सकते हैं। तो क्या डिसाइड किया भाई दीपक? हमने डिसाइड किया है कि तीन लोग ऋषिकेश जाएंगे और तीन लोग मैकडी में खाएंगे। फाइनली पैसे इकट्ठे हो चुके हैं गाइस, और देख रहे हैं 2 रुपए कम पड़ रहे हैं, पर भीख मांगेंगे इससे। अरे तो वही पर टीचर है। अब हम कश्मीरी गेट पर उतर कर पेट पूजा करके बस स्टेशन आ चुके थे, और वहाँ की भीड़ देखकर लग रहा था कि शायद पूरी दुनिया इस वक्त ऋषिकेश ही जा रही है। तो हमने सोचा नहीं था कि इतनी दोस्तों क्या बोल रहा हूँ भाई, हमने सोचा नहीं था कि इतनी ज्यादा भीड़ होगी यहाँ पे, बट यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। और अगर बस नहीं मिली तो हम राजन को गाली देंगे कि पहले से क्यों नहीं बुक की। दोस्तों आपको यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ मैं, नज़ारे देखना भाई, तुम जाओ उड़ा रहा हमारा। एक बंदा अंदर बस में फंस चुका है और वो अंदर ही इस भीड़ के बीच में शहीद हो चुका है। तो सर्वाइवल का एक्सपो लेते हैं इंटरव्यू, कैसा लगा आपको? कैसा लगा आपको बस में घुस के? कहीं भी चला जाऊंगा, ऋषिकेश नहीं जाऊंगा। One eternity later. दोस्तों बस अभी भी नहीं मिली है हमको, तो अभी देखो आप देख सकते हो पीछे पंचायत चल रही है मेरे, और हमारी बस पकड़ते पकड़ते फट के 64 हो चुकी है। दोस्तों वैसे तो आप दिल्ली से उत्तराखंड जाने के लिए एक वॉल्वो बस बुक करवा सकते हैं, जिसका प्राइस यूजुअली 600 से 700 के बीच रहता है, बट मेरे दोस्तों को लग रहा था कि उन्हें स्टेशन से 300 रुपए में उत्तराखंड रोडवेज की कोई बस मिल जाएगी, और यहाँ पैसा बचाने के चक्कर में हम सबका पोपट हो गया। फिर फाइनली हमें ऋषिकेश जाने के लिए 6000 में कैब बुक करनी पड़ी, बट हम खुश थे कि चलो प्लान कैंसिल तो नहीं हुआ। फिर कैब चल पड़ी और मैंने खिड़की से अपना हाथ निकाल कर वही सदियों पुराना घिसा पिटा हाथ को लहराने वाला शॉट लिया, और फिर कैब वाले भैया ने बीच में एक गैस स्टेशन पर रुक के अपनी कार में गैस डलवाई। मीनवाइल एक कुत्ते को मैंने अपने नए सफेद जूते दिखाए, और फिर थोड़ी दूर चल के एक ढाबे पे चाय और मट्ठी खाने के बाद हम कार में सवार होके सो गए, और बस फिर आगे अपना ऋषिकेश। फाइनली हम ऋषिकेश आ चुके हैं, उम्मीद नहीं थी इसकी बिल्कुल भी हम पहुंच पाएंगे, बट सीता झूला पे हम आ चुके हैं और अब हम करने वाले हैं राफ्टिंग। हमने ये खरीद लिया है, हमारे घर पे डिलीवरी करने जा रहे हैं, आज से मैं इसी में बैठ के नहाऊंगा। दोस्तों आजकल कोठी बंगले वाले लोग ऋषिकेश में आके राफ्टिंग करते हैं, ताकि बड़ी बड़ी कोठी बंगले राफ्टिंग राफ्टिंग। अरे कहना क्या चाहते हो? सारे मरने जा रहे हैं और लेके। दोस्तों फिर हम सब अपने अपने भगवान को याद करके राफ्टिंग के लिए निकल पड़े। हमारे ग्रुप में अकेला मैं था जिसने राफ्टिंग पहले कभी भी नहीं की थी, इसलिए मेरी ज्यादा फटी थी। पहली बारी में बह गया था, इस बार देखते क्या होता है। हम लोगों के आउटफिट आ चुके हैं। दोस्तों मैं दीपक को इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि अगर राफ्टिंग में अगर बाय चांस वो गिर जाते हैं बोट से तो क्या करना है आपको। बस कुछ नहीं करना, आपको बस बोला है हे ईश्वर हमसे जो अपराध हुए उनको क्षमा करना। फिर कवच और मुकुट धारण करके हमारे योद्धा मैदान में उतरने जा रहे थे। मैंने अपनी इंस्टाग्राम का आईडी और पासवर्ड अपने दोस्तों को बता दिया था कि बाय चांस ये देखो हमारी सुंदर नारी कैसे खड़ी है। ओहो सेक्सी पोज दे रहा है राजन। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। दोस्तों सो फाइनल कॉल बिफोर राफ्टिंग, बिल्कुल भी डरना नहीं है, हौसले से काम लेना है, ठीक है, और सब कुछ अच्छा होने वाला है, मेरे को बिल्कुल डर नहीं लग रहा है।
राफ्टिंग में जाने से पहले हम सबको अपने फोन्स ड्राई बैग में जमा करवाने होते हैं जो कि हर बोट पे अवेलेबल होता है, और इसलिए मैं राफ्टिंग का वीडियो नहीं बना पाया। बाकी अगर आपको वीडियो बनवाना है तो आप अपनी बोट पे बैठे लाइफ गार्ड को 3,000 रुपए देके गोप्रो से अपना वीडियो बनवा सकते हैं, बट मेरे दोस्त मक्खी चूस थे इस वजह से हमारा वीडियो नहीं बना। राफ्टिंग के ही एंड में जाके हमने क्लिफ जंपिंग भी की जिसमें मुझे यमराज के साक्षात दर्शन हो गए। और राफ्टिंग के बाद हम सबको अब कैंप में जाना था जो कि पहाड़ के बहुत ऊपर था, और जहाँ पहुँचते पहुँचते हमारा आधा जीवन बीत गया। फाइनली आधा जीवन इस गाड़ी में बिताने के बाद हम पहुंच गए हैं कैंपिंग के जगह पे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है। मैं जो क्लिफ जंपिंग की है उसके बाद ऐसा लग रहा है कि नाभि उखड़ गई है मेरी। लेट्स सी आगे कैसे जाता है। फाइनली हमें हमारे कैंप्स अलॉट हो चुके थे। कैंप्स के सामने का व्यू भी बहुत सुंदर था, थल थल बहती गंगा नदी और ऊंचे पहाड़, और क्या चाहिए लाइफ में। और फिर अपने अपने कैंप्स में अपना सामान रखने के बाद हमने पेल के खाना खाया। तो दोस्तों फाइनली हम अपने कैंप में आ चुके हैं। हमारा कैंप का नंबर है 29। फुली एयर कंडीशन कैंप है, ये देख सकते हैं। घंटा मजाक कर रहा हूं। कंडीशन पे मिलती है यहाँ पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है इस कैंप में। एक पंखा है, चारपाई है, बल्ब दीपक है, और बल्ब पता नहीं है रात को पता चलेगा जलता नहीं जलता। बाकी यही सब है यार। अब पेट भरा हुआ था, शरीर थका हुआ था, आंखें जवाब दे चुकी थी, तो फिर हम सब कुछ घंटों के लिए घोड़े बेच के सो गए। बढ़िया नींद ले ली थी दोस्तों, एक दो घंटे पहले हम सोए हैं। बहुत एक दो घंटे ही सोए हैं ना। और यहाँ पे बिना लाइट के सोए हम। मतलब वहाँ पे फैन और वो था, लेकिन उन्होंने हमको नेचुरल एक्सपीरियंस देने के लिए फैन और लाइट सब कुछ बंद कर दिया, बिजली काट दी। तो बट अच्छा लगा। और अब हम आ चुके हैं बीच पे। अब यहाँ पे हम चिलैक्स करेंगे ब्रो। सो गंगा किनारे बैठने का दिव्य अनुभव लेने के बाद वक्त आ गया बॉनफायर का। अब जैसा बॉनफायर मैंने सोचा था ये वैसा बॉनफायर तो नहीं था। यहाँ पर अकूस्टिक गिटार्स के बजाय हरियाणवी गानों पे कुछ शराबी डांस करते हुए दिख रहे थे, बट फिर भुनी हुई मूंगफली और पकौड़े पेल के मेरे अंदर भी एनर्जी आ गई। दोस्तों सो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा आज का दिन। हमने बॉनफायर भी अभी शाम को अटेंड किया, उसके बाद अभी डिनर भी कर लिया, उसके बाद अभी जाके हम थोड़ा टाइम गंगा के किनारे बैठे। बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था। तो अब हम अपने कैंप में सोने जा रहे हैं, फिर हम निकलेंगे सुबह हरिद्वार को। वहाँ पे हम हर की पौड़ी में स्नान करके बैक टू अवर होम। सो गुड नाइट। दोस्तों सुबह हो चुकी है और रात को मैं सिर्फ 4-5 घंटे ही सोया हूँ, बाकी सब अभी भी दोस्त सो रहे हैं। बट मुझे लगा कि अब आए हैं तो यार सुबह सुबह बैठो यार, फिर से गंगा किनारे प्रकृति का आनंद लो। तो मैं उठ चुका हूँ और अब मैं जाके कुछ देर बैठूँगा। तो चलते हैं, आपको भी थोड़े नज़ारे दिखाते हैं। तो वक्त आ चुका है कि अब हम यहाँ से विदा लें। अब राजन भाई, सब आए, मंदीप भाई, सब बाय कर रहे हैं। बहुत मजेदार ट्रिप। पता नहीं क्यों बाय कर रहे हैं, क्योंकि हम साथ में चल रहे हैं और अब हम साथ में चल रहे हैं और अब हम हर की पौड़ी होते हुए वापस घर को। अब हम वापस उसी में जाएंगे जहाँ पे हमारी लंग्स को सांसें मिलेंगी। यहाँ पे हमें काफी सांस नहीं आ रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा साफ हवा है। तो अब हमने अपने कमरे में वो आग जला के अंगीठी रख ली ताकि थोड़ा धुआं मिलता रहे हमारे लंग्स को। कहीं हमारे लंग्स ज्यादा हेल्दी हो गए तो हम दिल्ली में कैसे रहेंगे। ये जगह छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। मिलता है दोस्तों फिर हरिद्वार हर की पौड़ी में आपसे। दोस्तों अब हमें ऋषिकेश से हरिद्वार जाना था जिसके लिए बस बहुत मुश्किल से मिलती है, बट फॉर्चुनेटली हमको एक ट्रक वाले भैया मिल गए जो 80 रुपए पर पर्सन में हमें हरिद्वार छोड़ने के लिए तैयार हो गए। ये हमने पर्सनल कैब करी है, हमारी पर्सनल लिमोजीन, स्पेशली हमने गाड़ी हायर की है। दीवाना मैं चला। ये हमने पर्सनल सिंगर भी हायर किया हुआ है ताकि हम बोर ना हो सके। दोस्तों धूप से ऐसी तैसी हो रखी है।
हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं। अब हम जा रहे हैं हरिद्वार घाट की तरफ, तो वो अभी यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। लेट्स गो बेबी। अभी मैं जस्ट नहा के आया हूँ, बाल देख सकते हो आप मेरे गीले हैं, काफ़ी ठंडा पानी था। अभी फ़ोन में मेरे बैटरी थोड़ी सी कम है, अगर बीच में बंद हो जाएगा तो वेरी सॉरी, मैं वापस जाते हुए जो भी रहेगा उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, तो आप समझ जाना प्लीज़। हर की पौड़ी से निकलने के बाद हमने पास ही के मार्केट में एक फैमिली रेस्टोरेंट में लंच किया। लंबी चौड़ी मेन्यू देखने के बाद हमें कुछ भी समझ नहीं आया और इसलिए हमने पूरी सब्जी ऑर्डर कर दिया। भूख इतनी जोरदार लगी थी कि इससे अपना कुछ काम बना नहीं, तो हम पहुंच गए एक लस्सी कॉर्नर पे जहाँ पे हमने कुल्फी भी खाई। ये लस्सी सच में बहुत मस्त थी और लास्ट में थोड़ा सा शुद्ध गंगा जल लिया अपने घर के लिए। वापस रवाना होने का वक्त आ चुका था पर मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। ये जगह और ये सफर हमेशा मेरे दिल में रहेगा और होपफुली हम बहुत जल्द वापस आएंगे ऋषिकेश में।